मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने मुझे काफी सारे कमेंट किए, काफी सवाल भी किए, साथ ही नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए मुझे कुछ आइडियाज भी दिए। तो वेल, आपने जो भी कुछ सवाल मुझसे किए हैं कमेंट बॉक्स में, उसमें से मैंने काफी सारे सवाल पिक कर लिए हैं, जिस पर बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है। साथ ही आप में से काफी लोग इंटरेस्टेड हैं सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानने के लिए, यानी दुनिया में जो भी अमीर लोग हैं आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो वेल, आज ऐसा ही मैंने कुछ टॉपिक लिया है। आज जिस इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये इंसान वाकई अद्भुत इंसान है, वॉरेन एडवर्ड बफेट। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। इतना ही नहीं, बराक ओबामा जैसे लोग भी उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। जब ये 11 साल के थे तो इन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा था और थोड़ा सा फायदा दिखते ही उन्होंने वह शेयर बेच दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद उस शेयर की कीमत 500% बढ़ गया। और इतनी सी ही उम्र में इन्होंने सीख लिया था, अगर स्टॉक मार्केट में रहना है तो मार्केट की उथल पुथल से घबराने की जगह आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। यह था इनका पहला लेसन जो इन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। जी हाँ, ये वही वॉरेन बफेट हैं जिन्होंने 1962 में महज $1,000 में बर्कशायर नाम की एक कंपनी खरीदी। और ये तो कुछ भी नहीं, जहाँ छोटी सी उम्र में बच्चों को थोड़े से पैसे गिनना नहीं आते, वहीं वॉरेन बफेट ने अपना पहला इनकम टैक्स भरा। इसका मतलब तो यही है कि इन्हें बचपन से ही मालूम था कि एक दिन ये बड़े आदमी बनेंगे। ये शुरू से ही दृढ़ संकल्प थे। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इन्होंने बचपन में ही अपने साथियों के साथ एक घोषणा पहले ही कर दी थी कि अगर मैं 30 साल की उम्र तक बड़ा आदमी नहीं बना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और हाँ यार, अखबार वाला फैक्ट तो इनके साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारे लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बचपन में अखबार डिलीवर किए थे। बिल्कुल इसी तरह वॉरेन बफेट ने भी सुबह सुबह न्यूज़पेपर डिलीवर किए, और वो न्यूज़पेपर था द वॉशिंगटन पोस्ट। और उस समय ये अखबार से महीने के तकरीबन $175 कमाते थे, यानी केवल 16 साल की उम्र में ये अपने अध्यापकों से भी ज्यादा पैसा कमा लेते थे। और 16 साल कंप्लीट होते होते इन्होंने तकरीबन $53,000 की संपत्ति जमा कर ली थी, जो कि मुझे लगता है इस उम्र में काफी बड़ा नंबर है। सोचो, आज से 50 साल पहले, कमाल है यार। कहा जाता है कि इस महान व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल एक बार ही मेल भेजी है, और वो भी माइक्रोसॉफ्ट को। और यदि आप वॉरेन बफेट की सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो आपको वहां रहने के लिए महज $30,00,000 खर्च करने होंगे, तब जाकर आपको वहां फ्लैट मिलेगा। देखिए, जब लोगों के पास पैसा आता है तो दिखावा तो बनता ही है। न जाने दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो पैसों का दिखावा करते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट उन सबसे बिल्कुल अलग हैं। यह दुनिया के सबसे विनम्र अमीर आदमी हैं, सिंपलिसिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। और ये अपनी संपत्ति के रिगार्डिंग एक ही बात सोचते हैं कि मेरी संपत्ति से लोगों का भला कैसे हो सके, ये ज्यादा से ज्यादा दान करते हैं। वैसे यार, यहाँ पर मैं एक फैक्ट अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ। मैंने दुनिया के जितने भी अमीर लोगों के बारे में पढ़ा, चाहे बिल गेट्स हो या कोई और, इतना पैसा कमाने के बाद ये लोग डोनेट करने लगते हैं, अपनी संपत्ति का मोटा हिस्सा दान कर देते हैं लोगों की भलाई के लिए। यार, होना भी यही चाहिए, जब इतना सारा है तो थोड़ा दान कर दोगे तो इससे लोगों का फायदा ही होगा। और ये तो कुछ भी नहीं, उनके बारे में एक बात तो बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है वॉरेन बफेट डेली के 500 पेजेस पढ़ते हैं। उनका कहना है कि वह जब भी ऑफिस जाते हैं, वह केवल ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। वह जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन किस तरह सोच रहा है। वह बिलीव करते हैं ऑब्जर्वेशन पर, वह अपने आसपास सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया का यह अमीर आदमी, इसके पास टोटल कितनी संपत्ति होगी। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति उनके 50वें बर्थडे पर तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए थी। ये मैं उनकी करंट संपत्ति के बारे में नहीं बता रहा हूँ। अगर वॉरेन बफेट की आज की संपत्ति की बात की जाए तो संपत्ति सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। वॉरेन बफेट की आज कुल संपत्ति तकरीबन 53,00,000 करोड़ की है। 53 लाख करोड़, माय गॉड। दोस्तों, दौलत, रुतबा, शोहरत ऐसे ही नहीं मिल जाती। वॉरेन बफेट को भी काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। यहाँ तक कि उनके ससुर ने उन्हें कहा था कि मुझे तुम्हारी फिलॉसफी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, एक दिन तुम फेल हो जाओगे। लेकिन वॉरेन बफेट ने खुद को सफल बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया
कि इतिहास हम जैसे सनकी लोग ही रचते हैं। दुनिया के जितने बड़े बड़े दिग्गज हीरो हीरोइंस पूरे साल में जितना कमाते हैं, वॉरेन बफे केवल एक दिन में ही उतना पैसा कमा लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वॉरेन बफेट दुनिया के पहले ऐसे इंसान है जिन्होंने कहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति मेरे किसी भी परिवार वाले को नहीं मिलेगी, बल्कि वॉरेन बफेट द्वारा कमाई गई सारी की सारी संपत्ति दान में दे दी जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने अभी अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा बिल एंड मेलिंडा कंपनी को दान दे दिया है, जिसके संस्थापक बिल गेट्स हैं। वॉरेन बफेट द्वारा कही गई कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, भाई इनका सबसे पहला लेसन तो यही है कि बी पेशेंसफुल, यानी कि धीरज रखिए। कहीं पर भी सफलता इंस्टेंट नहीं मिलती। हर काम हर बिजनेस में धीरज की बहुत जरूरत होती है। आपको जितना धीरज होगा, जितना पेशेंस होगा, फल उतना ही मीठा होगा। निवेश कहाँ करें? आप कभी वहाँ निवेश ना करें जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप खुद पसंद करते हो, बल्कि छानबीन पूरी करें जिस कंपनी की टीम CEO ये अच्छे होंगे, अच्छे डिसीजंस लेते होंगे, निवेश वहां करने की सोचें। अगला लेसन, वॉरेन बफेट कहते हैं कि उन लोगों के साथ रहिए जो आपसे बेहतर हैं। सिंपल है यार, आपसे कमजोर लोग आपको ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जो आपसे बेटर हैं वहां से आप ज्यादा सीख सकते हो। इसीलिए एक बार वॉरेन बफेट ने कहा कि मैं बिल गेट्स से मिलना चाहता हूं, और बिल गेट्स ने इनका इनविटेशन स्वीकार भी किया। दोनों की मीटिंग फिक्स हुई थी 30 मिनट के लिए, केवल 30 मिनट। और पता है ये मीटिंग कब तक चली? 30 मिनट की मीटिंग, यह चली पूरे 10 घंटों तक। और इन दोनों ही महान इंसानों ने एक दूसरे की बहुत तारीफ की। बिल गेट्स ने कहा कि मैंने वॉरेन बफेट जितना महान इंसान आज तक नहीं देखा, और वहीं बफेट ने भी यही शब्द बिल गेट्स के लिए कहे। सोचो यार, 10 घंटे बिता दिए और उन्हें समय का पता ही नहीं लगा, वो सिर्फ इसलिए कि दोनों ही बेहतर थे। तो वॉरेन बफेट का कहना है कि अपने से हल्के लोगों में बैठने की जगह, उन पर लीडरशिप झाड़ने की जगह अपने से ऊपर के लोगों में बैठो। वो मौका कभी भी हाथ से मत जाने दो, वहां से आप सीखोगे नए नए आइडियाज। सुनिए और वॉरेन बफेट क्या कहते हैं। एकल आय पर कभी निर्भर ना करें, दूसरे स्रोत बनाने के लिए निवेश करते रहें। यानी वन साइडेड इनकम नहीं होनी चाहिए, आप उस पर बिल्कुल भी निर्भर ना रहें। मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं तो ये आपकी एक तरफ की इनकम है, दूसरा इनकम सोर्स नहीं है, तो दूसरे इनकम सोर्स बनाने के लिए कहीं ना कहीं निवेश करते रहें। जैसा हम सिंपल बोलते हैं ना, रिस्क लेना आना चाहिए मेरे यार, कहीं ना कहीं तो तुक्का लग ही जाता है, और एक बार किस्मत ने आपका हाथ पकड़ लिया तो बस लाइफ सेट हो जाएगी। सो डोंट फियर टू टेक रिस्क, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। ये वाला भी जबरदस्त है, मैं हमेशा से जानता था कि मैं अमीर बनने वाला हूँ। मैंने कभी भी एक मिनट के लिए भी अपने आप पर डाउट नहीं किया, कभी संदेह नहीं किया कि मैं अमीर नहीं बन सकता। मुझे शुरू से ही पता था कि मैं अमीर बनूंगा। अपने सभी अंडों को एक टोकरी में ना रखें, ये तो आप समझ ही गए होंगे। यानी अपना सारा धन किसी एक ही जगह पर ना लगाएं, दूसरे ऑप्शंस भी नजर में रखें। यानी अगर आपकी एक नाव डूबी तो बाकी बोट तो होंगी जो आपका बुरे वक्त में साथ देंगी। ईमानदारी बहुत महंगा उपहार है, सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद ना करो। तो दोस्तों, ये था दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक वॉरेन एडवर्ड बफेट के बारे में। है ना कमाल के इंसान। लेकिन आखिर में मैं एक ही बात कहूंगा कि आप सबकी बायोग्राफी पढ़ो, सबके बारे में जानो, लेकिन किसी की तरह बनने की कोशिश मत करो। आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है कि एक दिन ऐसा आए जब लोग आपके बारे में गूगल करें, आपके बारे में पढ़ने की कोशिश करें, आपके बारे में जानना चाहें, आपकी बायोग्राफी पढ़ना चाहें। तो बिल्कुल भी उन लोगों की तरह ना बने जो पहले से ही मौजूद हैं। यार, हमारे पास में पहले से ही एक बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, वॉरेन बफेट है, ये सभी लोग एक ही सिंगल पीस पैदा हुए हैं। आप इनकी तरह कभी नहीं बन सकते। शायद आप इनसे कुछ बेहतर कर जाएं, तो झांको, देखो अपने अंदर, अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। दुनिया की सभी सक्सेस पढ़ाई से नहीं मिलती। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी आप सफल हो सकते हो। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। वैसे आगे बड़ी धमाकेदार वीडियोस आने वाली हैं। और हाँ यार, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट पेंडिंग में भी पड़े हुए हैं। काफी लोगों के बारे में वीडियो बनाने के लिए आप लोगों ने मुझे पहले से ही बोला हुआ है, तो धीरे धीरे उन सभी टॉपिक्स पर भी वीडियोस आएंगी। काफी सारे लोगों की बायोग्राफी है यार,
जिनके बारे में आप जानोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आप बहुत इंजॉय करोगे। और हाँ यार, याद रखना, आप लोगों के सभी सवाल जो भी आप मुझे कमेंट में लिखते हैं, उन सभी के जवाब कोशिश करूंगा कि अपने नए चैनल आंसर वर्ल्ड पर दूं। तो अपडेट रहना आंसर वर्ल्ड चैनल पर भी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक का कोई भी एम नहीं है, जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कर देना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।